जयपुर में मैसेज शक्ति और रोटरी क्लब जयपुर किंग सिटी की ओर से शनिवार को जवाहर कला केंद्र के कृष्णायन सभागार में अवेकंड वुमेन टॉक शो का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस टॉक शो में समाज की रूढ़िवादी सोच और परंपरा को तोड़कर पुरुष प्रधान क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं ने संवाद किया। इसके तहत प्रथम भाग में शहर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन की महिला कुली, पिंक सिटी ऑटो चालक, सहकार मार्ग स्थित पेट्रोल पंप, निर्भया स्क्वाड की महिला कांस्टेबल और समाज सेविका निशात हुसैन ने कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों और उनके संघर्ष को बयान किया। आयोजकों की ओर से इस कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनको सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दूसरे भाग में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रभा ठाकुर, मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनाली राठौड़, एडिशनल DCP सुनीता मीणा आदि प्रबुद्ध महिलाओं ने अपनी सफलता की और तय की गई यात्रा के बारे में बताकर लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला फ्रंटलाइन वॉरियर्स का भी सम्मान किया गया। हम लोगों ने ये महिला दिवस मनाने का निश्चय किया था और अब हम लोग धीरे धीरे हमारा प्रयास ये हो रहा है कि महिला दिवस किसी एक दिन का नहीं है, महिलाओं का दिन हर दिन महिलाओं का है, हर काम महिलाओं का है, हर क्षेत्र महिलाओं का है और ये आज के हमारे प्रोग्राम में प्रूव हो गया। राइट फ्रॉम कुली से लेकर के झंडा हिला रेलवे स्टेशन पे पूरा गांधीनगर का रेलवे स्टेशन महिलाओं ने संभाल रखा है, एक पेट्रोल पंप पूरा उन्होंने संभाल रखा है। आज उन्हें सम्मानित भी किया गया और एक मंच शेयर करने को कहा गया ताकि वो कहानियां बता सकें लोगों को कि इतने मुश्किल काम जो अभी तक पुरुष प्रधान थे उनको उन्होंने जब हासिल किया तो किस किस तरह की मुसीबतों का उन्हें सामना करना पड़ा।